फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज हम इस टॉपिक में बारे में बात करने जा रहे हैं जो ऐसी पेंटिंग्स है जो बहुत ही खूबसूरत शाबित है। आज हम ऐसी पेंटिंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल मत करना। ये बड़ी ही रोमांचक वीडियो आने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पेंटिंग के कलाकार ने इसे अपने खून से या फिर और किसी खून से बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाने के किसी को नहीं पता किसने बनाई इस पेंटिंग, किसने बनाई है इस पेंटिंग को। लेकिन इस पेंटिंग के शख्स का नाम है द अंगूस मैन। ये किसी जिम रॉबिन्स की दादी, एक मृत दादी के संदूक में मिली ये पेंटिंग। ये सिंस रॉबिन्स को इतना परेशान किया कि आज एक घर में अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी, अजीब अजीब चेहरे दिखाई देने, अजनबी चेहरे दिखाई देने लगे। ऐसे सिंस रॉबिन बड़ा परेशान हो गया। काफी लोगों ने कहा कि हम इसे सुलझा देंगे, पर वे भी उसे अजीब अजीब चेहरे आवाज सुनाई देने लगी, इस करके वो पीछे हट गए। तो सिंस रॉबिन से ने कहा कि मैं इसे नहीं भेजूंगा, मैं इसे नहीं भेजूंगा, किसी को खतरे में नहीं डाल सकता। तो इसने किसी अजनबी जगह पर छुपा दिया। तो यही इस पेंटिंग का रहस्य को किसी को नहीं पता, बस यही कहानी थी। इस पेंटिंग यह पेंटिंग इंटरनेट पर काफ़ी मिल जाएंगे, पर वो सभी फेक हैं, उसे वो सेफ हैं, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं होगी। लेकिन दिक्कत है तो बस असली पेंटिंग से, तो इसलिए काफ़ी सेफ है इंटरनेट में पेंटिंग, काफ़ी सेफ है। तो आप इसे वॉलपेपर भी ला सकते हैं, मुझे नहीं लगता होगा आप लाएंगे। लेकिन इस पेंटिंग का रहस्य यही है, तो मैंने आपको बता दिया। आप बढ़ते हैं दूसरी पेंटिंग की तरफ। साल 1887 में बनाई गई ये पेंटिंग एक प्रदर्शनी में लगाई गई। इसे अनपढ़ की वजह से इस पेंटिंग को हटाना पड़ा, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक मिनट के बाद इसके हाव भाव बदल जाते हैं, लोगों को इसे बहुत डर रहना था, इसलिए इस पेंटिंग को हटाना पड़ा। इस पेंटिंग के पीछे एक सच्ची कहानी, चलो मैं आपको बता दूं। एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम समंता हॉस्टल था, एक अमेरिका सीनेटर की बेटी थी। एक बचपन में खेलते वक्त ये सीढ़ियों से गिर गई थी, जिस बहुत घायल हो गई बेचारी बच्ची। तो इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में इसे अपना दम तोड़ गया, मतलब कि मर गई है। फिर इस पेंटिंग का रिश्ता कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख भी सकते हैं कि एक शनि अपने ही नवजात बेटे को खा रहा है, जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख भी सकते हैं कि अपने ही नवजात बेटे को खा रहा है। रिया चक्रवर्ती ने बताया कि इस यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत सिंह राजपूत इस पेंटिंग को देखकर असामान्य व्यवहार करने लगे। ये बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली कलाकृति है। तो हमारे तीसरे नंबर पर है ये पेंटिंग। लव लेटर टू रेप्लिका की ये पेंटिंग बड़ी ही खूबसूरत, एक बच्ची प्यारी सी बच्ची दिखाई दे रही है, जिसके हाथ में एक गुलदस्ता है, फूलों में गुलदस्ता, दूसरे हाथ में इसके एक लिफाफा है, जैसे आप इस पेंटिंग में देख भी सकते हैं, और सुनहरे बाल भी हैं। इसे पेंटिंग को देखकर आप बड़े ही मनमोहित होंगे इस बच्ची को देखकर, इसलिए पर लोगों पर बहुत डराती है, तो मत देखना इस पेंटिंग को, आपको मन चाहे तो कर लेना जो करना है, देख लेना या फाड़ देना जो कर लेना, पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मतलब कि कोई वो नहीं है। तो ये पेंटिंग बड़ी खूबसूरत है, मतलब कि मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ ये शाबित है, मतलब कि इसका लोगों को कहना है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो पहले एक रुको, सब्र करो, एक बात कहना भूल गया, मैं इतने एक महीने बाद में वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पूरी देखना वीडियो पूरी तो देख ली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो टाटा बाय बाय।